हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ऑल गुड? ओके, सो स्टार्ट करें। चलिए, तो अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। सो एडिशन हम कर चुके हैं, आज क्या करेंगे? सबट्रैक्शन। वही क्या है हमारे टू डिजिट वाला। स्टार्ट करें। चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ आपके लिए सब लिखा हुआ है। क्या है पेंस? आपको भी मैंने पहले भी बताया था, जब हमने एडिशन किया था तब नोटबुक में आपको ऐसे ही राइट करना है। वंस टेंस, वंस प्लेस, वंस के नीचे टेंस प्लेस वाले नंबर, टेंस प्लेस के नीचे। ओके, राइट करके देन वंस वाले प्लेस में से वंस वाला माइनस होगा, इसमें से ये वाला होगा। और हमेशा हम इस साइड से अपना सब करना स्टार्ट करेंगे, कभी भी यहाँ इस वाली साइड से हमारे एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन तीनों के सम कभी भी इस साइड से स्टार्ट नहीं होंगे, हमेशा दिस वन से। ओके, राइट साइड से स्टार्ट होंगे। ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ क्या है आपके पास? ऊपर 6 और नीचे 3, यानी कि हमें 6 में से क्या करना है? 3 को माइनस करना है। तो काउंट करें। चलिए, 6 फिंगर्स काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 हो गई ना ये? 6 में से हमें कितना माइनस करना है? 3। 1 2 3, ये मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो कितने बच गए? 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 3। यानी कि 6 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 3। तो यहाँ क्या है? 4। 4 में से हमें क्या माइनस करना है? 2। 4 1 2 3 4, 4 में से हमें क्या माइनस करना है? 2। 2 हमने माइनस कर दिया, कितना बच गया हमारे पास? 2। कितना रिमेनिंग रह गया? 2। तो यानी कि जब हम 46 में से 23 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया बेटा? 23। ओके, नेक्स्ट सम है, क्या है? 74 माइनस 50, यानी कि 74 में से हमें 50 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं। ऊपर यहाँ क्या राइट है? 4 और नीचे 0। हम पहले भी मैंने आपको बताया है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ क्या, कि किसी भी नंबर में हम 0 को प्लस या माइनस करते हैं तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं, नंबर में से, ठीक है? किसी नंबर में प्लस करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी नंबर में इसे माइनस करते हैं तो भी उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? यानी कि 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा, आपके पास 4 टॉफीज है और मैं आपको उसको कुछ नहीं देना, आप उसको 0 टॉफी दो, कुछ मत दो, तो आपके पास कितनी टॉफीज रह जाएंगी? 4 की 4 आपके पास ही रहेंगी, जब आप किसी को नहीं दोगे तो 4 है तो 4 ही रहेंगी। तो वही बात यहाँ पे, ये ऊपर 4 है नीचे 0 है, 4 में से हमें 0 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या रहेगा? 4 से एज इट इज आ जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? सेकेंड टेंस प्लेस पे क्या है हमारे पास? 7 और 5, यानी कि 7 में से हमें क्या माइनस करना है बेटा? 5 माइनस करना है। तो काउंट कीजिए, ये क्या अपनी फिंगर होगी हमारी? 5 6 एंड 7, कितनी फिंगर्स होगी हमारे पास? 7 फिंगर्स होगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितनी फिंगर्स हैं? 7 फिंगर्स हैं। अब 7 फिंगर्स में से हमें कितनी माइनस करनी है? 5। क्या माइनस करना है? 5, 7 है, 5 माइनस कीजिए, ये क्या है? 5, हमने इनको कर दिया माइनस, तो कितनी बच गई हमारे पास? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी कि 74 में से हमने 50 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 24। ओके, तो आपको ऐसे ही जो भी आपके सब्ट्रैक्शन वाले सब है उनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।